सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, एक सॉल्ट है
सब्जेक्ट है तो हमें ध्यान में होना चाहिए, ये एग्जांपल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऐसी कौन सी मैटर है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस के साथ रिएक्शन करती है और रिलीज करती है या हाइड्रोजन गैस को और बनाती है या सॉल्ट को, तो बेस का भी हो गया। इसके अलावा ऑलमोस्ट जो अदर मैटर होती है वो बेस के साथ रिएक्शन ही नहीं करती है। ओके, सो नाउ वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट पॉइंट इज दैट कि मैटर जो सॉरी हमारे जो एसिड होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एसिड उसको लिख देता हूं, रिएक्शन करेंगे
वाटर के फॉर्म में बाहर निकल आएंगे। तो देखते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या रहता है। 2 4 इधर के फोर होने चाहिए ऑक्सीजन के, बिल्कुल 3 और 4 कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन भी 2 उधर भी हाइड्रोजन भी 2 है, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस है। तो बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो है वो है थोड़ी अलग, ये सिर्फ दो ही थोड़ी सी केमिस्ट्री से रिलेटेड रहती, बाकी नेक्स्ट जो हमारी है प्रॉपर्टी वो छोटी अलग है कि एसिड एंड बेस के एक्वस सॉल्यूशन, एसिड एंड बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर में क्या मिक्स कर दूं, एसिड कर दूं या फिर बेस मिक्स कर दूं, तो वो जो वाटर होगा वो क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो एसिड्स और बेस की जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं दैट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आपकी जनरल प्रॉपर्टी में है। और एक और लास्ट जनरल प्रॉपर्टी जो बनती है आपको बनती है कि एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है और गैस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है और क्या कर देता है, बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है। और इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके उस एसिड को न्यूट्रल कर देता है। ये भी जनरल प्रॉपर्टी आती है। तो टोटल हमारी अप्रोक्सीमेटली 3, 3, 6, 7 के अराउंड क्या हो चुकी है, जनरल प्रॉपर्टी हो गई है। इसमें 5 जो प्रॉपर्टी है वो तो आपकी छोटी कलर 2 है वो क्या है, वो रिएक्शंस में है या केमिकल के फॉर्म में है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, लेकिन वो छोटी कलर तो आप उसको देख सकते हो, बहुत ही नॉर्मल।